लेकर आई हूँ। पूछिए पूछिए, क्या है वो खास कार्यक्रम? चलिए आप खुद ही मेरे साथ चलकर देख लीजिए। नमस्कार, हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर मैं एक कहानी सुना रही हूँ। एक समय की बात है। गुड मॉर्निंग। सुप्रभात। क्या बात है, आज एकदम शुद्ध हिंदी? आज तारीख क्या है? 14 सितंबर। गलत, आज 14 सितंबर नहीं, 14 सितंबर है, और 14 सितंबर को हिंदी दिवस है। कम से कम आज तो शुद्ध हिंदी बोलो। सॉरी यार, मैं भूल गया था। सॉरी? उफ, गलती हो गई यार, हमारे मुंह में इंग्लिश इतनी फिट बैठी है कि ओ सॉरी, ओहो माफ करना, इंग्लिश इतनी चिपककर बैठी है, हम जाकर भी पूरा एक वाक्य शुद्ध हिंदी में नहीं बोल पाते। इसीलिए तो आज हम सिर्फ हिंदी में ही बात करेंगे। तभी वहाँ गट्टू और चिट्टी आ जाते हैं। मॉर्निंग मम्मी। गुड मॉर्निंग मम्मी पापा। सुप्रभात में संबोधित कर। और मम्मी पापा नहीं, माताजी और पिताजी कहो। आप क्या कह रहे हो, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है पापा। फिर से पापा। सॉरी पिताजी। अब मुझे कोई समझाएगा कि ये सब क्या चल रहा है? मैं समझाती हूँ बच्चों, आज 14 सितंबर है। आज के दिन हिंदी को हमारे राजभाषा के रूप में स्वीकारा गया था। क्यों ना आज हम सिर्फ हिंदी में ही बात करें? फंटास्टिक आइडिया। चिंकी, हिंदी इंग्लिश नहीं? ऐसा है तो आप इंग्लिश में क्यों बोली? मैं कहाँ इंग्लिश बोली? अभी तो कहा। क्या? इंग्लिश। अरे तू बोलना क्या चाहता है? वो ये कहना चाहता है कि तुम अंग्रेजी को इंग्लिश बोल गए। हिंदी में इंग्लिश को अंग्रेजी कहते हैं, समझी? आप भी बोले, आप भी बोले। क्या? इंग्लिश। कब? अभी तो बोले। ओ गॉड। फिर से बोले। हे भगवान, मैं तो वही ऑफिस, ओ सॉरी माफ करना, कार्यालय कर रहा हूँ। गट्टू और चिक्की स्कूल आते हैं। कृष्णा सर बच्चों से कहते हैं, बच्चों तो आज कौन सी तारीख है? आज 14 सितंबर है। आज हिंदी दिवस है। बच्चों तो आज हम लोग प्रयास करेंगे कि हम लोग एक दूसरे के साथ सिर्फ हिंदी में ही वार्तालाप करें, इंग्लिश का भूल कर भी हम लोग सहारा ना लें। सर, भूल तो आपने भी कर दी, हिंदी में अंग्रेजी बोलते हैं, इंग्लिश नहीं। भूल तो तुमसे भी हुई है चिंकी, हिंदी में गुरुजी कहते हैं, सर नहीं। यह बात सुनकर सभी बच्चे और मिश्रा जी हंसने लगते हैं। तभी वहाँ प्रधानाचार्य जी किसी को साथ लेते हुए आती है और कहती है, यहाँ हंसी किस बात पर हो रही है? कुछ नहीं, हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। हिंदी में बात करने के लिए भी अंग्रेजी का सहारा लिया जा रहा है, इसलिए ही सब हंस रहे हैं। अच्छा, मैं समझ गई। बच्चों चिंता ना करो, आज हिंदी दिवस के अवसर पर एक ऐसे को संबोधित करेंगे कि आपको अपने सारे जवाब मिल जाएंगे। स्नेहा जी माइक पर आ जाती है। हेलो फ्रेंड्स। स्नेहा जी की बात सुन के सारे बच्चे हैरान हो जाते हैं। आप क्या कह रहे हैं कि हिंदी दिवस होने के बावजूद भी मैंने अंग्रेजी में आपको हेलो कहा, फ्रेंड्स कहा? बच्चों, जब मैं आपकी उम्र की थी तब हमारे स्कूल में भी हिंदी दिवस मनाया जाता था, तब हमको भी शुद्ध हिंदी बोलने को कहा जाता था। हम शुद्ध हिंदी बोलने के चक्कर में अंग्रेजी के कुछ शब्द भूल बैठते थे, तब हमारा मजाक बनाया जाता था। यह हर साल होता है, हिंदी दिवस आता है तो शुद्ध हिंदी में बात करो, उसके बाद उसके
का आग्रह नहीं करना चाहिए, बल्कि रोज शुद्ध हिंदी बोलनी चाहिए। और मैंने सुना है जो बच्चे अपनी मातृभाषा अवगत कर लेते हैं वह दुनिया की कोई भी भाषा आसानी से सीख सकते हैं। तो बच्चों क्या कहते हो, सीखोगे? पापा हमें ना इंग्लिश, जर्मन, फ्रेंच की जैसे सभी भाषा सीखनी है। लेकिन हमें हमारी हिंदी मजबूत बनानी होगी, उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसके लिए हिंदी में बात करो, हिंदी पढ़ो और हिंदी सुनो। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।